हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता के लिए कर रही हूँ पास्ता। और आज संडे है, आज हस्बैंड भी घर पे ही है, तो दोनों बच्चों को हस्बैंड को दे दूँगी पास्ता और मैं खुद भी खा लूँगी पास्ता। और आज ना नए घर के लिए पर्दा खरीदने के लिए भी जाना है, तो कल ना हमें नए घर। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज सुबह से 6 बजे से उठी हूँ मैं, ठीक है। सुबह के 6 बजे से उठी हूँ तो 10 बजे तक मेरे सारे काम हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आज मैंने ना फटाफट से सारा काम कर लिया है, अभी सिर्फ खाना बनाना बाकी है। और श्री के पापा और दोनों बच्चे बाहर गए हैं और आज है ना 3-4 बजे हमें पर्दे खरीदने के लिए भी जाना है नए घर के लिए, ठीक है। और आज है ना मेरी साड़ियाँ वो सब पैकिंग करनी है और कल संडे मंडे है, तो कल नए घर में हम रहने चले जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब मत कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपको बाद में। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हमारे नए घर में। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा कचरा था, तो मैंने झाड़ू लगा दी, क्योंकि ना हमें कल ना यहाँ पे रहने के लिए आना है मंडे के दिन। तो मैंने सोचा तो यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा कचरा था वहाँ पे। और सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए किचन पे कितनी ज़्यादा मिट्टी थी। तो ना यहाँ पे ना गैस लाइन आई है, आप देख सकते हैं येलो कलर में, पहले नहीं थी मगर अभी आ गई, क्योंकि ना यहाँ पे कोई रहने के लिए नहीं था इस वजह से नहीं थी यहाँ पे, मगर अभी बैठा दी है, हमें रहने के लिए आना था इस वजह से। और जो यहाँ पर का घर का मालिक है, तो उन्होंने नल भी फिटिंग कर दी, आपको दिख रहा होगा पहले आए थे तब नहीं था नल, तो अभी नल भी फिटिंग कर दी। और हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं मेरी साफ़ सफाई करने में, तो ये बहुत ज़्यादा दूर मिट्टी थी ना इस वजह से, तो हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं। और राणा और श्री का डांस देखिए, श्री को तो डांस ही बहुत ज़्यादा पसंद है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम एक रूम के घर में हैं और कल इस बड़े घर में आ जाएंगे। और थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, तो यकीन नहीं हो रहा है तो हम इतना बड़ा घर भी किराए का ले सकते, क्योंकि देखिए पहले ना हस्बैंड है ना मुझे सपोर्ट नहीं करते थे यूट्यूब के लिए, मगर अभी हो फुल उनका सपोर्ट है मुझे। और उन्होंने मैंने तो कभी बोला नहीं तो आप बड़ा घर लो, बड़ा मकान लो, ऐसा कभी बोला नहीं, मगर उन्होंने कहा। तो बच्चे का जो स्कूल है यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, और इतने पैसे देने से अच्छा है तो हम बड़ा घर ले लेते हैं वहाँ पे। तो उनकी बहुत मतलब उन्होंने ही ये जो भी किया है, बड़ा घर लेने का सोचा है किराए का, तो उनकी मर्ज़ी से। मैं तो ना एक रूम में हो या झोपड़ी में हो, मैं कहीं भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, जहाँ पे मेरे हस्बैंड वहाँ पे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। वो बोलते हैं ना दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं ना, तो हम झोपड़ी के हम ना झोपड़ी से घर और घर से बंगला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए किचन के पास भी कितने ज़्यादा कचरा था, तो यहाँ पे बच्चे बीच में आ रहे थे, तो यहाँ पे पूरा कचरा साफ कर लूँगी।
तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा दिया है, अभी पोछा लगा दूंगी। फिर उसके बाद देखिए पूरा घर साफ हो गया, पूरा क्लीन हो गया। इतना ज़्यादा धूल मिट्टी कचरा था ना। और यहाँ पे देखिए बेसिन के पास भी नल बैठा दिया है। और इतने ज़्यादा थकान हो रही थी ना सच में। और यहाँ पे देखिए बाथरूम में भी नल बैठा दिया है। और फिर ना फ्रेंड्स पूरा घर साफ होने के बाद हम ना पर्दे खरीदने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए पूजा मैंने ऐसे ही रहने दी है। तो यहाँ पे देखिए पर्दा लेके आए, तो 7 बड़े बड़े पर्दे लाए थे और एक छोटा पर्दा था, 2 छोटे पर्दे थे। ठीक है, 7 बड़े पर्दे और 2 छोटे पर्दे। तो ये कितने में पड़ा? एक पर्दा 300 रुपये का। तो वैसे हमने 7 और 8 9 पर्दे लाए, 2 छोटे और 7 बड़े। तो फ्रेंड्स नए घर में आते ही खर्चा बढ़ गया। तो यहाँ पे ही शाम हो गई थी, शाम के 7 बज गए थे। तो इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट करो और मेरे वीडियो को शेयर करो। बाय।